उत्तर प्रदेश सरकार के अनुदेशकों के क्रम में वाणिज्य कर विभाग गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा जीएसटी में पंजीकरण की आवश्यकता व उसके लाभ पर एक बृहद सेमिनार का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन ने की। कार्यक्रम में जीएसटी से छोटे और बड़े व्यापारियों को मिलने वाले लाभ के साथ ही व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा व्यापारियों के हित में किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर उपाध्यक्ष जीएसटीएन वीर सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहर कसौधन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार तिवारी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। जीएसटी जब नहीं था तो कई विभाग में यह प्रदेश बटा था, कई विभाग में यह देश बटा था, लेकिन जीएसटी आने के बाद सारा विभाग एक झोली में आ गया। अब वह जीएसटी में कहीं घोटाला नहीं होता है। वैसे हर 50 विभाग थे, 50 विभाग में हम लोग टैक्स देते देते और जवाब देते देते। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन ने कहा, जो है ये व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा सरकार ने जीएसटी जो लागू हुआ है, उस जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का हुआ है उनको क्या लाभ है, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको इससे लाभान्वित किया जाए, इसी के ऊपर एक सेमिनार रखा हुआ है। और ये पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई थी लखनऊ में, उसमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 और उनके सहयोगियों के साथ एक बैठक किया था। उसमें इन लोगों को निर्देशित किया गया था कि आप लोग व्यापारियों के बीच में जा करके एक अच्छा संतुलन बनाएं और व्यापारियों को सरकार क्या राहत दे रही है इसके लिए आप उनको बताएं।